नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। यहां छिपी राजनीति से उठेगा पर्दा, बंद कमरों की राजनीति भी आएगी बाहर। मुस्कुराते नेताओं के मन की बात मैं बताऊंगा, दिमाग में चल रही सियासी चाल मैं सामने लाऊंगा, वादों को परखूंगा और नारों को समझूंगा। हर मोहरे पर होगा मंथन और खुल जाएगी राजनीति के अंदर की राजनीति। तो शुरू करते हैं राजनीति। सागर पर सेतु बांधने से पहले खुद राम ने 3 दिन तक विनती की थी, लेकिन अब हनुमान विनती की बजाय विद्रोह के मूड में नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर आंदोलन से हनुमान की उपाधि पाए विनय कटियार की। कटियार कह रहे हैं म्यूजियम का लॉलीपॉप नहीं मंदिर चाहिए। आखिर कटियार बीजेपी से रूठे हैं या राम कटियार से रूठे हैं, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट राजनीति की इनसाइड स्टोरी। किसी भी प्रकार से हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया, हम लोग आंदोलन चलाने वालों में से हैं, तो उस समय के लोग जो हैं आज पूछ रहे हैं, उन परिवारों को लोग पूछ रहे हैं जो उनके परिवारों के लोग शहीद हो गए राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। तो इस राम मंदिर पहले बनाए, बाकी तो इस सब बेकार की बात है। श्री राम की जन्मभूमि पर सियासी जयकारों की गूंज है, लेकिन हनुमान नाखुश हैं और आज से नहीं सालों से कुछ है जो उन्हें साल रहा है। हनुमान के बिना राम कथा की कल्पना ही नहीं की जा सकती, लेकिन राम मंदिर आंदोलन से ही हनुमान की संज्ञा पाए कटियार विनय के बजाय विद्रोह के मूड में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं मैं बाहर था, अब राम का नाम हो और हनुमान नदारद हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपकी अनुपस्थिति क्यों है? ऐसा कुछ नहीं, हमारा तो चूंकि हम बहुत रात में आए लौट करके यहाँ, इसलिए हम नहीं जा पाए और ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल संस्कृति मंत्री महेश शर्मा अयोध्या नगरी में जमीन खोज रहे हैं रामायण संग्रहालय के लिए, और विनय कटियार कह रहे हैं कि अगर मुझे कहा गया होता तो मैं आने की कोशिश करता। लेकिन ये बात सही है कि हमको भी इसकी सूचना नहीं थी, अगर सूचना होती तो उसी हिसाब से कार्यक्रम की रचना भी करते हैं। विनय कटियार के विद्रोही तेवर नए कलेवर के साथ नजर आ रहे हैं। उन्हें राम की भूमि पर अपनी ही पार्टी का राम राग रास नहीं आ रहा, बोले लॉलीपॉप नहीं राम मंदिर चाहिए। खुश होने के बजाय कह रहे हैं ऐसा क्या खास है जो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाए। राम मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए, ये लाली पापी से काम नहीं चलने वाला। जब तक राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर नहीं बनता, तब तक अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी जाए इसका कोई मतलब नहीं। राम की जन्मभूमि के बिना सब कुछ बेकार है, राम मंदिर बनना चाहिए। ये विद्रोह की बानगी नई नहीं है, लेकिन मोदी सरकार में विनय कटियार ज्यादा ही खफा नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के सामने धरने पर बैठने की बात सबको याद है, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के लिए भी कह चुके हैं कि वो राम मंदिर बनवा देते, लेकिन इस सरकार से विनय कटियार को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों है? 2014 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलना एक वजह है। बीजेपी की सरकार बनी लेकिन कोई भूमिका नहीं मिली। संगठन में भी विनय कटियार की कोई भूमिका नहीं। आगामी यूपी चुनाव में भी अब तक दरकिनार। वरिष्ठता को देखते हुए ये विनय कटियार के लिए अपमानजनक। अयोध्या या राम मंदिर मसले पर कोई राय मशविरा नहीं। सवाल कई हैं, लेकिन विनय के बोल काफी कुछ साफ कर रहे हैं। वो बीजेपी से रूठे हैं या राम विनय कटियार से रूठे हैं, ये तो वही जाने, लेकिन अयोध्या आंदोलन से लेकर आज तक उनका अंदाज विद्रोही ही नजर आया। अभी तो प्रयास शुरू नहीं हुआ जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन मेरा कहना लोकसभा में तो हम पास करें जहाँ हमारा बहुमत है। लोकसभा पास करे, राज्यसभा देखा जाएगा जब होगा। ये देश के प्रधानमंत्री को बताने की जरूरत है, वो बताएं देश के प्रधानमंत्री। राम से भटककर सियासत का खुमार उन पर चढ़ा तो हिंदूवादी की जगह कुर्मी नेता नजर आए। राम की भक्ति ने जरूर 3 बार चुनाव जिताया, लेकिन भटकते ही हार मिली चुनावों में।
अब मोदी सरकार को बार बार खुली चुनौती और राम मंदिर बनाने के लिए चैलेंज के पीछे की मंशा क्या है, और अब राम संग्रहालय पर सवाल के पीछे की सोच विनय की नहीं विद्रोह की ही है। हम तो राम जन्मभूमि के अलावा तो कुछ सुझाई नहीं देता। जीते राम मरते राम। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यदुवीर सिंह। बीजेपी पर हनुमान का गुस्सा भारी पड़ेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तो पूरी सेना ही बगावत पर उतारू है। मैनपुरी बोले तो मुलायम सिंह का घर, और नेताजी के इस घर में ही बजी है समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी। अब ये तो कुनबे को तय करना है कि वो घंटी को सुने या फिर खतरे की आहट से अनजान बने रहे। यदुकुल से क्यों उठे यादव, साइकिल से क्यों उतरे यादव, 25 साल बाद सपा से क्यों हुए दूर, ये नारे बयां कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की हकीकत को। ये बता रहे हैं कि अब सपा संकट में है, परिवार में ही नहीं घर में भी, उस घर में जहां सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव की ही चलती है, जहां यादव जाति के लोग समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर हैं, और उसी गढ़ में मोदी ने सेंधमारी कर दी है। अब इलाके के लोग मोदी का गुणगान कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मन तक बना लिया गया है समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी थामने का। नेताजी वक्त रहते नहीं चेते तो अपने ही गढ़ में हारते हैं। मैंने ये निर्णय लिया है सब महिलाओं ने, पूरे महिलाओं ने, गांव वालों ने, कि मैं सपा छोड़ के भाजपा में जाऊंगा। जो सपा ने तो कोई इस गांव वाला के अनुसार भी कह रहे हैं, ये चैलेंज के अनुसार कहते हैं कि इसको छोड़ के उसमें जाऊंगा। मालूम है उन्नत नहीं मंत्री जी कर रहे हैं तो इसमें किराए के क्या होगा कि हमारा गांव कम से कम नहीं तो 8 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, समाजवादी से जुड़ा चला आ रहा है, अभी तक यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान का असर अब मैनपुरी जनपद में भी दिखने लगा है। सपा का गढ़ कहे जाने वाले और यादव बाहुल्य ग्रामों में अब सपा मुर्दाबाद और सपा के विधायकों के पुतले फूके जाने लगे हैं। ग्राम सभा समान के गांव गुवरिया में सपा का जमकर विरोध हो रहा है। सपा के झंडे उतार फें ग्रामीणों ने बीजेपी के झंडे लगा लिए हैं। पिछले 4 साल की सरकार में शायद ऐसा कभी हुआ होगा कि यादव बाहुल्य गांव में सपा का इस तरह विरोध होता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन अब लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ परंपरागत तौर पर सपा के साथ हैं, विधायक भी सपा के हैं, लेकिन बावजूद इसके गाँव में विकास की एक किरण तक नहीं पहुँची। हमारे यहाँ विद्युतीकरण के लिए सारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं, जबकि हम वर्षों से जुड़े आ रहे समाजवादी पार्टी और यहाँ का विधायक ब्रजेश कठेरिया है, उससे कोई काम की कहते हैं तो वो कहता है कि नेताजी को वोट मिलेगा, कहा यादवों को सब यादव थे, यादव के नाते थे वोट, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देंगे, कहाँ जाएंगे, तो हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे बगल से पड़ोसी गाँव में सब में लाइट है, मेरे गाँव की लाइट कटा दी गई। विकास की आस देख रहे ग्रामीण अब गुस्से में है। गुस्सा इस बात का कि अब चुनाव आने वाले हैं, सरकार का टर्न पूरा होने वाला है, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। गुस्सा इस कदर दिखा कि लोगों के सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया, जो कि वहां से क्षेत्र विधायक भी हैं, ग्रामीणों ने विधायक का पुतला फूंक दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। 600 घरों की आबादी वाले ग्राम की हालत बदतर, अभी तक सरकार ने नहीं दिया ध्यान। 600 की आबादी है गुवरिया की, वोट बैंक के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, सपा के परंपरागत वोटर भी हैं, लेकिन अब तक उपेक्षित। बार बार वायदा किया गया गांव में बिजली की व्यवस्था होगी, लेकिन राह तकते तकते फिर से चुनाव आने वाला है, लेकिन इस बार गांव वालों ने सपा को सबक सिखाने का मन बना लिया है। सड़क का भी हाल बुरा है, विकास की तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन अब गाँव वाले एकजुट है, एक राय है, बस सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं। तैयारी हो रही है पूरे के पूरे गांव का सपाई से भाजपाई बनने का। जल्द ही गांव में बीजेपी नेता की जनसभा भी आयोजित होने वाली है।
कि गांव अकेला नहीं, कई और गांव हैं जहां गांव वाले विकास की बात जो रहे हैं। नवीन सिद्दीकी, समाचार प्लस, मैनपुरी। ये राजनीति का रेड अलर्ट था, वैसे खतरे की घंटी नहीं, घंटा बजाया है अखिलेश आर्मी ने भी, जिन्होंने सीधे शब्दों में सपा के कार्यक्रमों से दूरी का ऐलान कर दिया है। चलिए, लखनऊ में घंटी और घंटा बज रहा है तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक सपा विधायक नाच बसंती नाच वाले मूड में है, और मूड ऐसा जो गब्बल से भी खौफनाक है। बार बाला नाच रही है और माननीय विधायक उसके पांव रुकने ही नहीं दे रहे। आखिर डरना भी जरूरी है इनसे, क्योंकि इनका भाई गोली पहले मारता है फिर बोलता है खोके गिन लो, बेचकर राजा बन जाओगे। ठुमके लगाती बार डांसर, ठुमके का मजा लेते विधायक जी। बार डांसर ठुमका लगाती, विधायक जी एक टक निहारते। विधायक जी मन बहला रहे हैं और अश्लील डांस लगातार चल रहा है। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, बस हर तरफ अश्लीलता और फुहड़ता का नंगा नाच। अरे जब विधायक जी ही सामने हो तब डर किसका? जरा गौर से देखिए, बार बाला डांस करते करते विधायक जी के पास जा पहुंची, विधायक जी ने भी लपक कर बार डांसर का हाथ पकड़ लिया। किसी की क्या मजाल जो बीच में दखल दे। विधायक जी अश्लीलता की सारी हदें पार करते रहे, लेकिन सब लोग बैठे बैठे मजा ले रहे थे। अरे भला हो उस शख्स का जो नेताजी के बगल वाली कुर्सी पर बैठा था, जिसने विधायक जी के चंगुल से उस बार डांसर को बचा लिया। अब विधायक जी नोट लेकर बार डांसर को रिझाने लगे। अश्लीलता का ये खेल काफी देर तक चलता रहा। विधायक जी वहीं डटे रहे, जब वीडियो सामने आया तो सफाई देते फिर रहे। इस शादी में मैं उतरोला के पास गया था और मुश्किल से मैं 20 मिनट के लिए वहाँ गया था, और वहाँ पे जो लड़कियाँ डांस करती हैं, डांस कर रही थी, वो पैसे के लिए मुझे बगल में कुर्सी पे बैठाया गया और पैसे के लिए उधर पैसा दिखा रहे थे। आगे जाकर वो लोग अपना पैसा ले रही हैं, अपना काम कर रही, मैं अपना बैठा हूँ। फिर हमने जब इसे ऐसे देखा, हमने उठकर वहाँ से चले गए, हमें से कोई मतलब नहीं था उस चीज़। अब जरा नेताजी से आपकी पहचान करा दे। नाम जगराम पासवान, विधायक बलरामपुर सदर, पार्टी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नाम है जगराम पासवान। समाजवादी पार्टी की टिकट पर बलरामपुर सदर सीट से विधायक चुने गए हैं। इनके भाई तो इनसे भी दो कदम आगे, जो जरा जरा सी बात पर गोली मार देते हैं, गुस्सैल इतने कि जरा सी ओवरटेकिंग से नाराज हो जाते हैं। विधायक जी के भाई की करतूत। 7 मार्च 2016 को बलरामपुर से समाजवादी पार्टी के सदर विधायक जगराम पासवान के भाइयों ने बारात से लौट रहे आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी के विधायक की गाड़ियों की ओवरटेक करने के चक्कर में उसकी कार से टक्कर हो गई। इस बात पर विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने कार में बैठे एक आदमी पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में सपा विधायक के तीन भाइयों अन्नू पासवान, अंगद पासवान और साधु पासवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब ऐसे गुस्सैल भाई जिसके पास हों तो डर किसे नहीं लगेगा। विधायक जी के डर से बार डांसर के पैर भी चल रहे। शायद ऐसा लग रहा हो कि विधायक जी ने कह रखा हो, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक मेरी जान रहेगी। सवाल ये भी है कि क्या जनता को ऐसे जनसेवक की जरूरत है? क्या ऐसे विधायक को फिर से मौका मिलना चाहिए? क्या ऐसे विधायक जनता के प्रतिनिधि बनने योग्य हैं? राजकुमार सिंह, समाचार प्लस, गोंडा। मान लीजिए विधायक जी को तो 4.5 साल की सत्ता का नशा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के एक अशांत प्रत्याशी से मिलिए, नाम है दिशांत त्यागी। अखिलेश जी जिस प्रदेश को आगे ले जाने की जिद कर बैठे हैं, दिशांत उस प्रदेश के एक स्कूल पर अपने बहुबल से ताला लगवाने पर तुले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अब खुलकर सूबे में दबंगई पर उतर गए हैं, फोन पर धमकी दे रहे हैं, 2 लाख रुपए की डिमांड भी है, और अगर ऐसा ना किया तो देख लेने की धमकी भी दे रहे हैं। हेलो, हाँ जी गुप्ता जी, क्या चाह रहे हैं आप? मुझे सीधे सीधे बता दीजिए, फिर मैं कल से वही करूंगा। अब आप जो करना है वो करिएगा। मैंने आपका भाईचारा और संबंध निभाने के नाम ना दे
जैसे जैसे कहा, जब जब कहा मैंने वो निभाया जी। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप अब मुझसे बात ना करें, फोन काट दे, क्या चाह रहे हैं आप बताइए। कल आप ये चाह रहे हैं कि मैं 500 आदमी लेके आपके स्कूल के बाहर खड़ा रहूं, स्कूल के गेट बंद करा दूं। आप MLA के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप खुदा हो गए। सुनिए मेरी बात, खुदा या बिना खुदा, कल की डेट में आपको खुदा या आदमी कौन होता है वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। कल से या तो आप स्कूल चला लेना या निशान त्याग की राजनीति कर लेगा, जो गलत होगा वो अपना भुगत लेगा। कल की डेट में दोनों गेट आपके बंद ना हो तो निशान त्याग की नाम नहीं है मेरा। अब कल की डेट में आपको मैं वो बताऊंगा कि आप खुदा है कौन खुदा है। धमकी देने वाले नेता का नाम दिशांत त्यागी है, मुरादनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। टिकट मिलने पर ही ऐसा नशा चढ़ गया जैसे अभी से अपने आप को विधायक समझने लगे। धमकी दी, पैसे दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। सारा मामला 14 अक्टूबर का है, जब सपा नेता दिशांत त्यागी अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे। जब वो राजनगर इलाके से गुजर रहे थे तभी स्कूल की बस और उनकी लग्जरी कार में मामूली सी टक्कर हो गई। उसके बाद से ही दिशांत त्यागी लगातार स्कूल प्रबंधन को फोन करके कभी कार को ठीक कराने के लिए दबाव बना रहे हैं तो कभी 2.25 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन सपा नेता की धमकियों से इतना डरा हुआ है कि इसके चलते एक दिन स्कूल को भी बंद करना पड़ा। अब से 2,25,000 का उन्होंने बताया है कि इतना खर्चा है। स्कूल अथॉरिटी इंश्योरेंस के थ्रू जाना चाहती थी, थर्ड पार्टी थ्रू जाना चाहती थी, प्रॉपर चैनल जाना चाहती थी, शायद वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। नहीं जी, कोई मुझे मन नहीं किया था। उसके अगले दिन स्कूल ने बच्चों की सेफ्टी के उसमें लेके एक दिन के लिए बंद किया था, जस्ट बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। लेकिन उसके बाद सपा नेता की धमकियों का सिलसिला जारी रहा। आखिर तंग आकर स्कूल के प्रिंसिपल ने कभी नगर थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं उनके स्कूल बस का और दिशांत त्यागी हैं, उनकी कार में टक्कर हो गई थी जिसको लेकर इनमें कहासुनी हुई और फाइनली जब ये दोनों पक्षों ने ये डिसाइड किया था कि इसमें कुछ पैसे देकर के मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा, पर पैसों की रकम को लेकर कि कितना देना है और कितना लेना है इसमें इनकी सहमति नहीं बनने से कुछ विवाद क्रिएट हुआ था। वहीं सपा नेता दिशांत त्यागी ने कहा है कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। दिशांत त्यागी का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने खुद ही कार सही कराने को कहा था, जो कि मेरा हक है। मेरी उनसे बात हो गई थी, वो यहाँ एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई साहब आपकी गाड़ी में जो नुकसान हुआ है वो हो चुका है, अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, उसको हम ठीक करा देंगे। हमने गाड़ी विवेक मोटर्स पे भिजवा दी, उनका लड़का वहाँ पे लेके गाड़ी को गया, जो एस्टिमेट बना वहाँ बना, जो देना था वहाँ देना था। ना तो एक पैसे की मांग हमने उनसे की, ना एक पैसे के लिए हमने उनसे कहा। जहाँ तक बात है अगर अपना हक मांगना, अगर उन्होंने मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट किया और उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, और अगर मैं उसके लिए आज वो 3 दिन बाद मुंह कर जाते हैं तो इसको आप धमकी देना कहेंगे या आप जो कहना चाहें, मैं उसके लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दिशांत त्यागी लाख सफाई दे, लेकिन फोन रिकॉर्डिंग से साफ है कि सपा नेता पैसे की खातिर स्कूल प्रबंधन को लगातार धमका रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो समाजवादी पार्टी की छवि खराब होना तय है। जरूरत है पार्टी आला कमान को इन नेताओं पर भी नजर रखने की, क्योंकि यूपी में इस बार डगर आसान नहीं। बदयुस्मा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। सपा में संकट जितने भी हों, लेकिन एक मजबूत सीएम कैंडिडेट अखिलेश यादव हैं। बसपा में तो कोई शक ही नहीं, कांग्रेस के पास कुछ हो ना हो सीएम उम्मीदवार तो है ही, बच गई तो बीजेपी। क्या करे बेचारे भाजपा वाले, एक हो तो नाम बताएं। यहां तो जो भी 4 बार मंच पर चढ़ा वो खुद को भावी मुख्यमंत्री मान बैठा है। हालांकि इनमें से कोई भी खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन पेट समर्थकों को मीठा पानी दे रखा है कि पानी पी पी कर नारा लगाओ, सरकार बने या ना बने कम से कम फील गुड तो करवाओ। देखिए बीजेपी के अंदर सीएम वाला सिगुफा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी संग्राम के बाद अब बीजेपी में सुनामी आने को तैयार है। वजह है बीजेपी में वर्चस्व की जंग। केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रदेश की राजनीति में निष्क्रिय मेयर दिनेश शर्मा को किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए जाएंगे। इसके बाद गुजरात जैसे प्रदेश के प्रभारी बन जाएंगे। ऐसे में अब बीजेपी में सीएम का फेस न मिलने पर दिनेश शर्मा स्वयंभू सीएम के फेस बन गए।
शर्मा के बुलाने पे नरेंद्र मोदी लखनऊ के ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड पर आए और उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जय श्री राम का उद्घोष किया। इसके बाद दिनेश शर्मा के समर्थकों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि दिनेश शर्मा ही उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। दिनेश शर्मा ही नहीं, लिस्ट थोड़ी लंबी है। यूपी में वरुण गांधी, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता अपने अपने समर्थकों से जनता में भ्रम फैलवा रहे हैं कि वो खुद सीएम का फेस है। बात अगर वरुण गांधी की हो तो पीएम मोदी की योजनाओं को दरकिनार करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में उसी से मिलती जुलती खुद की योजना चला रहे हैं और ये प्रचार प्रसार जोरों पर है कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो ऐसी कई योजनाएं पूरी यूपी में चलेंगी। वरुण गांधी ने पीएम के कहने पर अपने संसदीय क्षेत्र में गांवों को गोद तो नहीं लिया, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक प्रयोग करके ये दिखा दिया कि आने वाले समय में वो किसानों के लिए सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे, जिसके बाद उनके समर्थकों ने ये प्रचार शुरू कर दिया कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बात अगर योगी आदित्यनाथ की हो तो बाबा के समर्थकों ने आदित्यनाथ को यूपी में सबसे बड़ा सीएम फेस घोषित कर दिया है। यही नहीं, आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के लिए कई गानों के रिकॉर्डिंग कर डिजिटल मीडिया में प्रसारित करने की होड़ मच गई है। अगर बात बाबा योगी आदित्यनाथ की जाए तो उनके समर्थकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ हो चुके हैं, क्योंकि लगातार हिंदुत्व के विरोध में आ रहे बयानों का खंडन सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ करते चले आ रहे हैं और हिंदू ये चाहते हैं कि अब की बार बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालें। पंकज सिंह की भी दावेदारी कम नहीं, राजनाथ के बेटे होने का भरपूर फायदा और भरपूर उपयोग पंकज सिंह कर रहे हैं। यही नहीं, पंकज सिंह लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली स्थित अपने पिता के घर पर अपने समर्थकों के साथ रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। बात अगर पंकज सिंह की जाए तो पंकज सिंह अपने पिता राजनाथ सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि का पूरा फायदा उठा रहे हैं और उनके समर्थकों का ये कहना है कि मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अगर लड़ना है तो पंकज सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया जाए। साफ है आने वाले दिनों में यूपी बीजेपी में बड़ा तूफान आने वाला है। संभव है हाईकमान के निर्देश के बाद ये सभी तथाकथित मुख्यमंत्री चेहरे शांत भी रहे, लेकिन इनके समर्थक ठीक उसी तरह सड़क पर उतर सकते हैं जिसकी नजीर चंद दिनों पहले समाजवादी परिवार ने पेश की थी और विरोधी दलों को भी इस तूफान की आहट सुनाई दे रही है। पर उनका साफ कहना है कि हमारी पार्टी की तरह बीजेपी में भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज तक तय नहीं कर पाई है कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के लिए कौन होगा और तमाम आपस में पार्टी के में उनमें विवाद भी है, तो वो दूसरी पार्टियों को कहते हैं लेकिन अपने नेता का खुद भी चुनाव नहीं कर पाए। जब चुनाव पार्लियामेंट का हुआ था तो उन्होंने तय किया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसे वो क्यों नहीं तय करते हैं कि अगर सरकार बनेगी, हमारी बनेगी, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, बसपा का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, आखिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश में पेश करती है? तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे जे देखो वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना घूम रहा है और उनकी हिम्मत नहीं है। हम तो कहते हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो है जनता के सामने प्रस्तुत करने का। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित नहीं और पार्टी बिना किसी चेहरे के ही यूपी के चुनावी समर में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में और कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेतृत्व के वरिष्ठ लोगों ने ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी का फेस है और जब पार्टी उपयुक्त पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जब उपयुक्त समय पर इस पर निर्णय लेगा। कई स्वयंभू अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा बताने लगे हैं, यही कारण है कि आलाकमान भी ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन। अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर भारी मतों से विजय होने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन स्वयंभू के चलते क्या गुल खिला पाएगी। कैमरामैन रजनीश के साथ आलोक पांडे, लखनऊ समाचार प्लस। राजनीति में चलते चलते एक बात करना चाहता हूँ,
दरअसल ये मेरे अंदर का आक्रोश था जो पिछले कई दिनों से मेरे दिल में था। एक शब्द होता है प्रायश्चित। 5 अक्षरों का ये शब्द किसी को भी बड़ा बनाने की ताकत रखता है और बड़े से बड़े दाग धोने की भी। पहले ये तस्वीर देखिए। उस नौजवान जिसके बारे में मेरे मुंह से अपशब्द निकल गया था उसके गांव से हरा हूँ। तो मैं तो एक प्रायश्चित करने गया था बस। मैं उनके माता पिता से स्वयं मिल करके और प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो हम थोड़ा सा हवन करके ईश्वर से प्रार्थना करके और उनके निवेदन को आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, एक अभिनेता जिसने एक शहीद पर शर्मनाक टिप्पणी की, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उसे शर्म आने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो शहीद नितिन यादव के घर जाकर प्रायश्चित के आंसू बहाए, फूट फूट कर रोया। यहीं से एक सवाल मैं अपने माननीय नेताओं के लिए छोड़कर जा रहा हूं, जो पिछले 20 दिनों से सेना और शहीदों पर वाहियात टिप्पणी कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की आंखों का पानी क्यों सूख चुका है? क्या बेशर्मी भरे बयान दे रहे इन नेताओं को प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, या फिर सियासत की किताब में शर्म और प्रायश्चित का कोई पन्ना ही नहीं? ये सवाल मेरा और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों का है कि राजनीति में शर्म और मरम दोनों का पानी क्यों सूख गया है? जवाब का इंतजार रहेगा। कल फिर मिलूंगा इसी वक्त। जय हिंद।